अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मैट्रिक क्लास यूनिट नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में से इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दो टाइप्स के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा हमारे पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए हमारे पास है प्लस में हमारे पास बी है, इस दोनों का हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना, सी प्लस में हमारे पास डी बना। इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, जिसमें रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट नहीं बनता, उसको हम क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब कि एक साइड वाले रिएक्शंस, जिसका हमारे पास नाम होता है फॉरवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, जस्ट ये हमारे पास क्या होते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दूसरे इनका हमारे पास क्या होता है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास रिएक्शंस सिंगल एरो से डायरेक्ट को शो करते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस हो जाता है, मतलब कि रिएक्टेंट में से कंप्लीट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। दूसरी बात कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए है प्लस में हमारे पास बी है, इसका हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना, सी प्लस में डी बना। लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसी प्रोडक्ट में से हमें हमारे पास फिर से क्या होता है कि रिएक्टेंट बनता है, इसको हम क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। ऊपर वाला जो हमारे पास एरो है वो किसको शो कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शंस को, और ये हमारे पास क्या करता है कि बैकवर्ड रिएक्शंस को शो करता है। मतलब कि जिस रिएक्शंस में फॉरवर्ड भी रिएक्शंस हो जाए बैकवर्ड भी रिएक्शंस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में मोस्टली हमारे पास किसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो हमारे पास रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बने, वो हमारे पास क्या है कि रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्शंस हो रहा होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो नेवर बी कंप्लीट। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये फिर से हमारे पास रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। किस तरीके से, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 6 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, रिएक्टेंट के। जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किसके, हमारे पास प्रोडक्ट के बनेंगे, फिर से हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स। जब ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो हमारे पास ये क्या होगी कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास रिएक्शंस होता है तो कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज होती है, किसकी, रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है कि इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रही है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, फिर से हमारे पास यही रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब हमारे पास मेन पॉइंट आती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास कौन सी होती है, कि दो टाइप्स के हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती हैं। कौन कौन सी हमारे पास स्टेट होती है वो आगे मैं समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास क्या है कि आ स्टेट द रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। मतलब कि जब दोनों रिएक्शंस की हमारे पास स्पीड जो होती है, रिएक्शन रिएक्टेंट टू कन्वर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू कन्वर्ट रिएक्टेंट, इन दोनों की जब हमारे पास स्पीड सेम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि दो टाइप्स के क्या होते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम्स होते हैं। एक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम, मैंने पहले लेक्चर में भी ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है इसको फोर्स लगा रहे हैं और यहां से इसको क्या करें कि सेम टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, जब दोनों टाइप से सेम टाइप का फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी क्या हो जाएगी कि ये बॉडी हमारे पास रेस्ट में हो जाएगी। ये मार्कर है ना, जब ये मार्कर रेस्ट में है
तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जब ये मार्कर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सेम फोर्स हमने लगाया तो बॉडी रेस्ट में हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है कि बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल कर दिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर में से लिड में से इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ क्या कर रहे हैं कि इन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स इन करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने रिएक्शंस करवा रहे हैं, इसको हमने स्मॉल यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर से आ रहे थे उतने मॉलिक्यूल्स इसका हमने यहाँ पे होल्स बना दिया। जब हमने होल्स बना दिया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे बहने स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर से इन हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं कि आउट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो बीकर है, बीकर का ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, जितने मॉलिक्यूल्स इन हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स आउट हो रहे हैं, मतलब कि ये हमारे पास क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जो स्पीड हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन की जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड सेम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, द रिएक्शन सेम्स टू स्टॉप यहाँ हार्ट इट इक्विलिब्रियम स्टेट बट इट गोइंग बोथ डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, सो इट्स कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जिस रिएक्शन में हमारे पास स्पीड रिएक्टेंट्स की और स्पीड प्रोडक्ट की सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, जिस स्पीड में रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड में से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। अगर हम इसको एग्जांपल के हिसाब से समझें तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कौन से एग्जांपल, हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस का एज अ ग्राफ पे एग्जांपल्स लिया है कि अगर हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, अब जो हमारे पास 2NO2 गैस है जो हमारे पास क्या होती है कि ब्लू कलर में होती है, अगर इसी को हम टेम्परेचर दे दें तो हमारे पास क्या बन जाती है N2O4, ठीक है, नाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड हमारे पास बन जाती है। इसका कलर क्या होता है कि ब्लू और इसका कलर क्या होता है कि रेड होता है, डार्क ब्लू और डार्क रेड। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास ये रिएक्शंस हो रहा है तो मैंने इसको इस रिएक्शंस को मैंने यहाँ पे डायग्राम में ग्राफ में शो किया है कि आप समझें कि अगर हमारे पास जब ये रिएक्टेंट हम आपस में रिएक्शन करवा रहे थे इसकी स्पीड ज्यादा थी, हाई अमाउंट में थी, उसके बाद क्या हुआ इसकी मतलब कि ये कंसंट्रेशन ये टाइम, इसको मैं एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई कि एक्सिस एक्सिस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने क्या किया कि जो कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में है किसकी, रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट को शो कर रही है लाइन और ये क्या कर रही है प्रोडक्ट को शो कर रही है, मतलब कि जैसे ही हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, हाई अमाउंट में थी, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये हुआ तो रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास ये क्या है कि जीरो पॉइंट है, किसकी जीरो पॉइंट है, प्रोडक्ट की जीरो पॉइंट है। जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, इसकी लो होना स्टार्ट हो गई, जैसे लाइन नीचे आ रही है इसका मतलब है कंसंट्रेशन लो हो रही है, ये जीरो से ऊपर जा रही है मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट हमारे पास ऐसी आ गई जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ गए, स्पीड क्या हो गई कि सेम हो गई, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जिसपे हमारे पास टाइम और कंसंट्रेशन जो है एक ऐसी पॉइंट आ गई जिसपे दोनों हमारे पास रिएक्शंस क्या हो गए कि स्पीड उनकी सेम हो गई और इसी को हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझे, यहां से क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो स्पीड जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है और ये जीरो स्टेट है और इसमें से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक ऐसी पॉइंट आ गई यहाँ पे पॉइंट जो हमारे पास है दोनों की स्पीड सेम हो गई और इस जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसको, हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शंस को, जिसमें हमने मतलब कि जिसमें हम जो हमारे पास क्या होती है कि प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन में।
अगर इस चैप्टर में इस क्वेश्चन मतलब के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि नॉलेज उनको भी ताकि मिल सके।